आप फ्रंट राइजेस मार रहे हो, फूल यहाँ तक नहीं आ रहा है, हैवी वेट ले ली बस इतना पे ही उठ रहा है। तो आपको फूल रेंज ऑफ मोशन लेना है, आपने वेट अपने आप चूज करना है कितना आप उठा सकते हो, 2 किलो, 5 किलो, 7.5 किलो। तो अपने अनुसार देख रहे हो फुल रेंज ऑफ मोशन इसके लेवल में नहीं आ रहा है। तो ये हे दिस इज स्विट्जरलैंड, तो कैसे आप सब लोग गाइस, आज बात करेंगे वैसे 5 मिस्टेक जो आप शोल्डर वर्कआउट में लगाते हो। आपको पता नहीं होगा लेकिन डेली लोग लगाते हैं शोल्डर वर्कआउट में, उसको पता ही नहीं होता क्या करना चाहिए वर्कआउट में। आएंगे सिर्फ मारेंगे डंबल प्रेस और फ्लाइंग मारेंगे, डेल्ट मारेंगे, उनको पता नहीं प्रॉपर क्या मारना चाहिए। तो आज वो बताएंगे जो आपको करना चाहिए प्रॉपर, वो 5 मिस्टेक बताएंगे जो आप करते हैं। तो आगे से ये 5 मिस्टेक नहीं करना है और ध्यान देना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट मिस्टेक पे। वो फर्स्ट मिस्टेक है वो अपना सेम वेरिएशन, जिम में पहले ही जाते हुए पहले आएंगे गाइस, तो उसके बाद ये डंबल लेंगे, उसके बाद सेम वेरिएशन डंबल को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे सेम वेरिएशन मारेंगे। डंबल से भी आप लगा लिए ऐसे और यही गलती, फिर ऐसे मार लिए और फिर जाएंगे बारबल की ओर, तो बारबल से भी यही गलती करेंगे। बारबल लो, बारबल से भी यही गलती करेंगे, दोनों से ही अपना प्रेस ही करेंगे, जिसमें दोनों से ही अपना फ्रंट डेल्टॉइड ही होगा ट्रेन। ओके, तो जिसमें आपको उसमें भी होगा इसका फ्रंट का डेल्ट का ही ट्रेन होता है और बारबल से भी, सिर्फ एल्बो का थोड़ा डिफरेंट होता है जिसमें आपका डंबल से पूरा सीधा हो जाता है और ये फ्रंट में थोड़ा डंबल से फ्रंट में हो जाता है। तो दोनों सेम वेरिएशन है, तो दोनों में एक ही ट्रेन होगा, तो आपको करना ही है। तो अपना डे चेंज कर लीजिए, अलग अलग वर्कआउट में करिए, जैसे शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें करिए। तो दोनों सेम करना नहीं है, उससे आपका मसल ग्रोथ ही नहीं होगा। ओके, तो चलेंगे अपने सेकेंड वेरिएशन पे, यानी सेकेंड टॉपिक पे, आप क्या गलती करते हैं, चलते हैं उस पे। तो गाइस चलते हैं अपने सेकेंड मिस्टेक पे। सेकेंड मिस्टेक होगा इम्प्रॉपर लोडिंग, यानी कि किस एक्सरसाइज पे आपको ज़्यादा वेट लेके करना चाहिए। लोग ले लेते हैं काफ़ी ज़्यादा वेट का, जैसे ये ले लिए, इसका पूरा हाथ देखिए यहाँ शोल्डर से ऊपर नहीं उठ रहा है, लेवल में नहीं उठ रहा है। तो यही गलती होता है, किस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा लोड लेके करना चाहिए, क्योंकि जो ये हुआ ये आपका कंपाउंड मूवमेंट, यानी आपका दो मसल इसमें काम नहीं कर रहा है, इसमें है आइसोलेशन मूवमेंट, जिसमें आपका एक शोल्डर सिर्फ काम कर रहा है, जिसमें आपको लाइट वेट लेना है, जो आपको यहाँ से आपको यहाँ तक उठना चाहिए शोल्डर के लेवल में, जो इसका यहाँ पे भी नहीं उठ रहा है। यही जिम में गलती करते हैं, किस एक्सरसाइज में आपको लोड ज़्यादा लेना है। इसमें आप ले सकते हो आपका जब होगा बारबल प्रेस, उसमें आप अच्छा खासा लोड ले सकते हो जो आप उठा सकते हो। इसमें आप होता आपका कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें आपका दो मसल ऊपर, इसमें आपका फोर आर्म भी काम करता है, बाइसेप भी और ये शोल्डर भी, डेल्ट भी। तो ये कंपाउंड, एक से ज़्यादा मसल काम करता है, उसको कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं। इसमें आप थोड़ा हैवी वेट ले सकते हो। तो यही गलती नहीं करना है आपको, जब आप भी डंबल से आगे साइड राइजेस लेटरल राइजेस लगाते हो उस पर थोड़ा लाइट वेट रखना है, और जब आप बारबल से लगाते हो ओवरहेड प्रेस तो उसमें थोड़ा हैवी वेट ले सकते हो। ओके, तो ये सेकेंड मिस्टेक है, आपको किस में कैसा वेट रखना है आप समझ चुके हो, तो चलेंगे अगले एक्सरसाइज में। तो गाइस चलते अपना थर्ड मिस्टेक पे, वो होगा अपना रियर डेल्ट। रियर डेल्ट यानी आपका ये वाला डेल्ट होता है, आप यहाँ पे समझिए, आपका ये वाला डेल्ट होता है। जो आप आते हैं शोल्डर एक्सरसाइज करने के लिए तो आएंगे सिर्फ डंबल प्रेस लगाने लगते हैं, आपको वो रियर डेल्ट आपका लो है तो आप रियर डेल्ट से स्टार्ट करिए। ओके, जैसे आपका रियर डेल्ट का एक्सरसाइज ये हुआ, इसे आप झुक के ऐसे लगा सकते हो प्रॉपर, और एक एक्सरसाइज ऐसे हुआ और दूसरा एक्सरसाइज आपको ऐसे करना है। तो दो एक्सरसाइज है, आप जिम जा रहे हो तो आप रोप पुल से भी लगा सकते हो। ओके, तो आपका जो वीक है आप उसका एक्सरसाइज पहले करिए, जरूरी है आए डंबल प्रेस लगा रहे हैं। ओके, तो आप रियर डेल्ट का पहले एक्सरसाइज करिए, जो आपका जो कमज़ोर है। ओके, जरूरी नहीं आपका रियर डेल्ट ही कमज़ोर है, आपका जो रियर डेल्ट फ्रंट रेंज आपका जो कमज़ोर है आप उससे एक्सरसाइज करिए। ओके, आपको रियर डेल्ट का एक्सरसाइज मालूम नहीं है तो मेरा शोल्डर वर्कआउट में नीचे में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलेंगे अपने अगले मिस्टेक पे। ओके, चलते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक पे।
सोल्जर वर्कआउट में तो कोई भी आता है जिम में तो सबसे पहले डंबल उठा लेगा या बारबल उठा लेगा, मार रहा है सोल्जर प्रेस, पहले डंबल से मार रहा है फिर सोल्जर से मार रहा है। ये सेम वेरिएशन है दोनों में, यही ट्रेंड हो रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। अब देख सकते हो इससे करेगा फिर उससे करेगा, दोनों में ही फ्रंट डेल्ट ही होगा, तो इसमें आपको नहीं करना है। आप थोड़ा डंबल से फ्लाई मार लीजिए, आपके ये अभी जो बताए ये मार लीजिए, लेकिन सेम नहीं बता, सेम नहीं करना है। ओके, ये सेम में से दोनों का ये फ्रंट ही डेल्ट आपका रेडी होगा, जिसमें सारे लोग का ये थोड़ा पहले से ही मजबूत रहता है और आपका साइड वाला थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो आपको जो कमज़ोर है उस पर ध्यान दीजिए, आते ही आपका डंबल प्रेस या बारबेल प्रेस नहीं लगाना है। ओके, तो ये फोर्थ मिस्टेक था, आप चलेंगे अगले मिस्टेक में। तो गाइस चलते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज पे, जो लास्ट आपका गलती होगा वो होगा आपका रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन कहने का मतलब हैवी वेट ले लिए आपका, ठीक तरह से आपका फुल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हैवी वेट ले लिए, जैसे ये आपका फुल स्ट्रेच नहीं हो रहा है इसके लेवल में। कोई भी एक्सरसाइज आप फुल मोशन के आप खड़े हो जाइए, उसके बाद जैसे आप फ्रंट राइजेस मार रहे हो, फुल यहाँ तक नहीं आ रहा है, हैवी वेट ले लिए बस इतना पे ही उठ रहा है। तो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन लेना है, अपने वेट अपने आप चूज करना है कितना आप उठा सकते हो, 2 किलो, 5 किलो, 7.5 किलो, तो अपने अनुसार देख रहे हो फुल रेंज ऑफ मोशन इसके लेवल में नहीं आ रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको जितना उठ रहा है उतना ही करना है, क्योंकि जिम गए अगला उठा रहा है 10 kg, उसको देख के हम भी उठा रहे हैं, वो 10 मारा मैं 12 मारूंगा, तो ये उसको ये जिम में नहीं चलता है, आप इंजरी भी हो सकते हैं। तो अपने वेट के अनुसार लगाना है, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है। ओके, ये 5 गलती था जो आप जिम में अक्सर करते होंगे या करने वाले होंगे जो नए जिम ज्वाइन करते हो, तो ये 5 गलती नहीं करना है। तो कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर और भी एक्सरसाइज घर पे देखना चाहते हो या कोई एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है या आप कौन सा एक्सरसाइज आप घर पे करना चाहते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।